एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन मैं अगर कहूं कि लखनऊ से कानपुर सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है तो हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर के बीच ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जिससे 2 से 3 घंटे का सफर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज 280 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा। ये रिपोर्ट देखिए और 30 मिनट के सफर समझने की कोशिश कीजिए। राजधानी लखनऊ से कानपुर की दूरी यूं तो 88 किलोमीटर की, लेकिन इसे पूरा करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अगर जाम मिल जाए तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन अब लखनऊ और कानपुर के लोगों को जाम और समय के तामझाम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ की सड़कें रॉकेट बनने वाली है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर के बीच एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जिससे 2 से 3 घंटे का सफर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो महत्वपूर्ण पहला एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा और 2022 के खत्म होने से पहले ये पूरा हो जाएगा। लखनऊ से कानपुर की दूरी को तय करने में अभी फिलहाल 2 घंटे का वक्त लगता है। शायद इसी बात की जरूरत महसूस करते हुए अगले 3 से 4 महीने में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद 2022 से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा और जब ये बनकर तैयार होगा तो आधे घंटे में महज कानपुर से लखनऊ की दूरी को तय कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग 24A पर टेढ़ीपुरिया चौराहे के फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और खुर्रम नगर से इंदिरा नगर सेक्टर 24 चौराहे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 280 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से लखनऊ और कानपुर के लाखों करोड़ लोगों का न सिर्फ सपना पूरा होगा बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी एक्सप्रेसवे बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। वही लखनऊ और कानपुर के साथ साथ अयोध्या को सौगात देते हुए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या को एक और सौगात दी है, 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार अयोध्या को लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। बीते दिनों राम मंदिर विवाद पर फैसला आया, राम मंदिर को विश्व स्तर की नगरी बनाई जा रही है तो भगवान राम के मंदिर की 84 कोस परिक्रमा को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। अब वह दिन दूर नहीं जब राम की नगरी विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगी। अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। लेकिन नितिन गडकरी का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है, वो 3 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहना कर सूबे की तस्वीर बदलना चाहते हैं। योजना के मुताबिक पूरे प्रदेश में 25 से 30 रिंग रोड बनाने का प्लान है। एक तरह से पूरे सूबे में सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे न सिर्फ लखनऊ से कानपुर बल्कि हर दूसरे शहर की सड़कों को रॉकेट बनाने की तैयारी है ताकि घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो सके। कानपुर से रतीश के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात दिल्ली से देहरादून के सफर की। 6 घंटे में पूरा होने वाला ये सफर अब सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। करीब 13,000 करोड़ की लागत से एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली से देहरादून तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये होगी कि इसमें जाम का झंझट नहीं होगा। एक बार आप ने रफ्तार भरी तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली से देहरादून की दूरी 253 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में कोई 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अब दिल्ली से देहरादून की दूरी खत्म होने वाली है। इन दोनों शहरों के बीच का फासला मिटने वाला है, क्योंकि जिस सफर को तय करने में अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं अब वो सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। क्या बोलोगे,
दिल्ली से डेहराडून नया हाईवे बना रहे हैं अक्षरधाम से, नया पूरा ग्रीन, और दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, और डेहराडून के 50 किलोमीटर पहले 47 मीटर हरिद्वार में, वो भी 2 घंटे में, और इसी हाईवे से अंबाला को होकर हम चंडीगढ़ जाएंगे 2 घंटे में। तो दिल्ली से डेहराडून, चंडीगढ़ और हरिद्वार 2 घंटे में आएगा। मुझे याद है कि पुणे मुंबई में जब हाईवे नहीं था तो 8 हवाई जहाज चलते थे, पर हाईवे बन गया तो हवाई जहाज बंद हो गए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये विकास होगा, काफी कुछ काम उत्तर प्रदेश में हम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो ये हाईवे 2022 तक पूरा हो जाएगा। इससे न सिर्फ दिल्ली से देहरादून की दूरी खत्म होगी बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन में इजाफा होगा। देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत जल्द एक एक्सप्रेस वे बन रहा है जिससे यहाँ की दूरी मात्र 2 घंटे हो जाएगी। यानी जहाँ पहले 6 से 7 घंटे दिल्ली से देहरादून पहुँचने में लगते थे, वो अब मात्र 2 घंटे हो जाएंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब एक्सप्रेस वे बनने के बाद देहरादून और दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी और 2 घंटे में ही यात्री इस सफर को तय कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा, जो करीब 13,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। दिल्ली से डासना, सावली, सहारनपुर और गणेशपुर होते हुए देहरादून तक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। अभी वर्तमान में यात्रियों को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए देहरादून आना पड़ता है। इसी तरह देहरादून से दिल्ली जाने में लोगों को 250 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। रूट पर आए दिन जाम लगा रहता है, लेकिन नया एक्सप्रेस वे कई शहरों को बाईपास करते हुए बन रहा है, जिससे जाम की समस्या खत्म होगी। दिल्ली से देहरादून तक एक नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। अगर बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस एक्सप्रेसवे को बनवाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग 210 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में अगर बात करें तो कई सारे एलिवेटेड रोड भी होंगे, जिससे कि जो वन्य जीव हैं उनके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना की जाए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार इसका ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो जाएगी और नए एक्सप्रेसवे में काफ़ी आरामदायक सुहाना सफ़र लोगों को मिलेगा और पूरी तरीके से ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगस्त 2021 तक इस काम को अवार्ड करने की कोशिश है परिवहन मंत्रालय की और परियोजना को 2023 तक पूरा करने का अनुमान है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।